नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। पूरी दुनिया के लिए दो देश खतरा बनते जा रहे हैं। पहला तो आप देख ही रहे हैं चीन, जिसने अपनी ताकत को सिद्ध करने के लिए ऐसा वायरस छोड़ा कि आज की तारीख में पूरी दुनिया में लगभग 170,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। तो दूसरी तरफ चीन का लाडला दोस्त पाकिस्तान, जो पूरी दुनिया में आतंक की खेती करता है और उसी को काटता है, और इससे भी पूरी दुनिया के देश परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग लेते हैं और फिर दूसरे देश जाकर तबाही मचाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर पाकिस्तान का नापाक चेहरा बाहर आया, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने आतंकी वॉचलिस्ट से कम 4,000 आतंकियों को बाहर कर दिया। यही नहीं, मिल रही सूचना पर गौर करें तो पता चला है कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड लखवी भी इसमें शामिल है। न्यूयॉर्क के स्टार्टअप कैसलम ने यह सब दावा किया, और स्टार्टअप कैसलम की माने तो पाकिस्तान जितना भी आतंकी विरोधी होने का दावा करे, लेकिन पिछले 1.5 साल में 3,500 से ज्यादा लोगों के नाम हटा दिए गए। पाकिस्तान ने इस बात की चर्चा भी किसी से नहीं की। FATF की माने तो इस वॉच लिस्ट में कुल 7,600 नाम थे, लेकिन अब ये घटकर सिर्फ और सिर्फ 3,800 रह गए। पाक PM ने 9 मार्च को सत्ता पर कब्जा जमाया था। उसके बाद 9 मार्च से 27 मार्च के बीच कुल 1,000 से ज्यादा आतंकियों के नाम इस वॉच लिस्ट से हटा दिए थे। फिर 27 मार्च से अभी तक 800 से ज्यादा नाम फिर निकाल दिए गए। इमरान खान खुद को आतंक विरोधी और आतंकवाद पीड़ित बताते हैं और FATF के दबाव से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि इस साल जून में FATF की बैठक होने वाली है, जिसमें 27 बिंदुओं पर समीक्षा होगी। अगर इस कानूनी पचड़े में पाकिस्तान फंसता है तो FATF उसको काली सूची में डाल देगा। विशेषज्ञों की माने तो इस सूची से आतंकियों को निकालने का मतलब है कि FATF काली सूची में पाकिस्तान को ना डाले। लेकिन यहीं पर पाकिस्तान ने गलती कर दी, क्योंकि अगर वॉच सूची से आतंकियों का नाम हटाते हैं तो सामूहिक संस्था को बताना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान ने खतरनाक आतंकियों को निकाल तो दिया, लेकिन सूचना नहीं दी। अब इसी आधार पर पाकिस्तान की चोरी पकड़ी गई और इसी बात पर पाकिस्तान पर एक्शन हो सकता है। अब देखते हैं कि FATF की बैठक में क्या होता है।